गाइस, क्या आपको ये पता है कि आपके घर पे जो एलपीजी का सिलेंडर पड़ा है उसका रंग हमेशा लाल ही क्यों होता है, हरा, पीला या नीला क्यों नहीं होता? हाँ, आप ये कह सकते हो क्योंकि खतरे का रंग भी लाल ही होता है, इसीलिए सिलेंडर का कलर भी लाल होता है, क्योंकि सिलेंडर को हैंडल करना बच्चों का खेल नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीजन भी है। साइंटिफिक रीजन ये है कि रेड कलर यानी कि लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो दूर से भी दिखाई देने लगता है। इसी वजह से इसका रंग लाल रखा जाता है, ताकि दूर से ही लोग पहचान जाए कि कोई खतरनाक चीज पड़ी है और वो अलर्ट हो जाए, ताकि उसे करते वक्त कुछ प्रॉब्लम ना आए। क्या सिलेंडर के लाल रंग के पीछे का कारण आप इससे पहले तक जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जहां एक ओर सिर्फ दिखावे के लिए इंडियन शादियों में ज्यादा खाना बना लिया जाता है, चाहे वो खाना बाद में फेंकना क्यों ना पड़े, वहीं इजिप्ट की शादियों में शादियां रेस्टोरेंट में होती हैं। वहां पर लोग आते हैं, अपनी टेबल को बुक करते हैं, जितना खाना है और जो खाना है वो ऑर्डर करते हैं, लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि अपने खाने का बिल वो खुद ही पे करते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जिस परिवार में शादी है उस पर ज्यादा बोझ ना पड़े। वहीं इंडियन शादियों में एक बाप या तो दिखावे के लिए या फिर समाज क्या कहेगा इस डर से अपनी जिंदगी भर की पूंजी शादियों में लगा देता है, जबकि वो दिखावे में खर्च किया गया पैसा नवविवाहित जोड़े की नई जिंदगी के लिए काम आ सकता था। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, और क्या हमें भी इजिप्ट की शादियों से कुछ सीखना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। पीने के पानी की समस्या आज बहुत सारे देशों में है, लेकिन बहुत ही कम देश ऐसे हैं जिन्होंने पेरू देश के जैसे इस समस्या का समाधान निकाला हो। जी हाँ गाइज, पेरू देश में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पीने के पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे इलाकों में ड्रिंकिंग वाटर बिल बोर्ड्स इंस्टॉल किए। ये ड्रिंकिंग वाटर बिल बोर्ड्स क्या है, डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। ये होते तो बिलबोर्ड्स ही हैं जिस पे एडवर्टाइजमेंट ही चलती है, लेकिन उनमें कुछ ऐसी मशीन्स को इंस्टॉल किया गया है जो कि एयर से मॉइस्चर को कैप्चर करती है, फिर उसे फिल्टर करती है और उसे पीने लायक पानी में कन्वर्ट करती है। जी हाँ गाइस, और ऐसा करके सिर्फ एक बिलबोर्ड से 50 से 60 फैमिलीज को पीने लायक पानी मिल पा रहा है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट कौन से देश के लोगों का है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ, वो देश है जापान, जहां के लोग सिर्फ अपने पासपोर्ट के बलबूते पर इस पूरी ही दुनिया के 191 देशों में वीजा ऑन अराइवल या फिर फ्री वीजा से जा सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है सिंगापुर, जहां के लोग 190 देशों में वीजा ऑन अराइवल या फ्री वीजा से घूम सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इंडियन पासपोर्ट के क्या हाल हैं? तो मैं आपको बताता हूं, इंडियन पासपोर्ट के थ्रू यानी कि हम लोग सिर्फ 60 कंट्रीज में वीजा ऑन अराइवल या फ्री वीजा के घूम सकते हैं। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, ये आपने साइंस की किताबों में जरूर पढ़ा होगा कि कोई भी एटम या एलिमेंट तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल है। इनफैक्ट ये पूरी ही यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्टेबल है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन 60,000 योटा ईयर्स तक एग्जिस्ट कर सकता है। 60,000 योटा ईयर्स मतलब अपनी यूनिवर्स की एज के 5 गुना ज्यादा समय तक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है। ओ माय गॉड, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस दुनिया में इंसान द्वारा बनाई गई सबसे महंगी चीज कौन सी है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं, वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब इसी के बारे में ही तीन इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूं। फैक्ट नंबर वन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का साइज फुटबॉल के मैदान के जितना बड़ा है। फैक्ट नंबर टू, इसके बावजूद भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ का पूरा एक रोटेशन मात्र 90 मिनट में लगा लेता है। इन फैक्ट नंबर थ्री, जहां एक और अर्थ पे किसी भी इंसान को एक दिन में एक बार सनराइज और एक बार सनसेट दिखाई देता है, वहीं पे ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किसी भी इंसान को दिन में 15 बार सनराइज और 15 बार सनसेट दिखाई देता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।